राजनाथ सिंह हाल पत्रकार परिषद संबोधी रहा है, सीधा जोड़ीशू त्या। सवाल क्या पूछते हैं? सीधे सीधे कह देते हैं कि आप चूंकि इंडियन है इसलिए आप सीईओ नहीं बन सकते, लेकिन अब कहा जाने लगा है, अब जाने लगा कि आप सीईओ नहीं बन सकते क्योंकि आप इंडियन नहीं है। ये कितना बड़ा चेंज हमको देखने को मिल रहा है। और आज दुनिया की कंपनियों की सूची में हर 10 बड़ी कंपनी में एक सीईओ यदि किसी देश का है तो भारत का है। यह हमारी एक मेजर अचीवमेंट है जो कि पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने मोदी जी की लीडरशिप में हासिल की है। और भारत का इस स्टेशन तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में तेजी के साथ बढ़ा ही है, सारी दुनिया स्वीकार करती है। तो मित्रों, मेरी तरफ से बस इतनी ही बात है। आप लोग कुछ पूछना चाहें? मैंने आगे बोली देखिए, इंडिया एयरलाइंस की जो लोग हैं मतदाता, उनको भी लगता है कि इंडी अलायंस किसी भी सूरत में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उनके अंदर हताशा और निराशा है। स्वाभाविक रूप से एक वोटिंग के प्रति एक जो इंथुजियाज्म होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वह उत्साह उनके अंदर नहीं है। एक कारण तो यह भी है, एक कारण थोड़ा गर्मी का भी हो सकता है। क्या कहा है? क्या कहे? किसने किसने चुनौती दी? बनारस में चुनाव लड़ेंगे महामंडलेश्वर। अरे भाई, चुनाव चुनाव तो देखिए, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। चुनौती होगी उनके लिए होगी, हम लोगों के लिए चुनौती नहीं। देखिए, मैं जानता हूं कि जब भारत आजाद हुआ था, जब राज्यों के विलय का प्रश्न था, तो हमारे राजा महाराजा जो भी यहां के थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अपील पर सबने अपने राज्य का बहुत ही सहर्ष विलय करने के लिए अपनी सहमति दी थी। देखते हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या कौन मैंने? मोदी जी। प्रियंका गांधी ने क्या कहा? मोदी जी सुपरमैन की तरह आते हैं। सुपरमैन नहीं, मोबाइल मैन। नहीं, मोबाइल मैन। मोबाइल मैन प्रियंका गांधी कराई थी। मोबाइल मैन सुपरमैन है। सुपरमैन महंगाई मैन है, सुपरमैन नहीं है। सब सुपरमैन नहीं है, महंगाई मैन है। नहीं नहीं, वो आम इंसान है। सुपरमैन क्या, वो आम इंसान है। और मैं कह सकता हूं दुनिया की जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें सर्वाधिक कम महंगाई यदि कहीं पर है, या रेट ऑफ इन्फ्लेशन यदि सर्वाधिक कम किसी देश में है, तो हमारे और आपके देश भारत में। अब ये लोकल लोगों से यहाँ सवाल पूछिएगा। वैसे भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतनी तेजी के साथ हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। लोग बाहर से आएंगे, जो आते हैं बाहर से उनका